के चरित्र से भी भक्तों का चरित्र और उनके जीवन चरित्र और भी उपकारी होता है। भगवान की लीला कथाओं को सुनकर उसमें भक्त लोग कैसे उनकी सेवा करते हैं, यही उसमें मूल चीज होती है। जहाँ कृष्ण का गुणगान करना है, वहां यशोदा जी का, नंद बाबा का, जैसे कल हम लोग बतला रहे थे, कृष्ण ने स्वयं वसुदेव देवकी के पूर्व जन्म में आशीर्वाद दिया, वर दिया, और उससे ब्रह्मा जी के वर से द्रोण और धार उनको अधिकतर भगवान की सेवा मिली, प्रेम मिला। इसलिए भगवान की लीला चरित्र के गान से भी उनके भक्तों का चरित्र गान करने से अधिक लाभ होता है। इन कंपैरिजन वी ग्लोरीफाई कृष्ण एंड वी ग्लोरीफाई आल्सो हिज एसोसिएट्स, बट ऑल शास्त्र हैज टोल्ड दैट ग्लोरिफिकेशन ऑफ हिज एसोसिएट्स is more gainful than glorifying Krishna himself. आज सुलभ भक्ति रूप सिद्धांति महाराज जी का आविर्भाव तिथि, तिरोभाव तिथि है। थोड़ा उनके संबंध में बोल करके तब मैं इस ग्रंथ की व्याख्या करूंगा। उनका साधारण आविर्भाव और कैसे इसमें आए इन्होंने बतलाया, उसमें जो और बातें हैं वो मैं कुछ बतला रहा हूं। हम लोग उनको बहुत प्रारंभ से जानते हैं, गुरु जी से भी उनके संबंध में सुना है। गुरु जी बतला रहे थे जो जब मठ में मैं उल्टा डेंगी रोड में किराए के मकान में जब मठ था, गौड़िया मठ, उसमें खूब अधिक लोग नहीं थे, तो उसमें नरहरी प्रभु गुरु जी हमारे भक्ति विलास तीर्थ महाराज, उसमें तीर्थ महाराज नहीं थे, कुंज बिहारी प्रभु और तीर्थ महाराज, उसमें उनका नाम उनका वो गृहस्थ का नाम था, और ऐसे ऐसे कुछ लोग थे। उस समय में गुरु जी जब आए थे, कुछ दिनों के बाद में सिद्ध स्वरूप प्रभु को जब लौटा ले आए, जबकि वो लॉ पढ़ रहे थे, ले आए समझा बुझा कर मठ का। उस समय में खर्चा चलाना बड़ा कठिन था, पैसे पैसे लोग भी क्या करते, गुरु जी की सेवा करते और प्रचार करते। आज जैसा घर बैठे हम लोगों को प्रणामी मिल जाती है, प्रत्येक ब्रह्मचारी लोगों को भी 10-5 रुपए मिल जाते हैं और हमको नहीं देते, अपने अपने रख लेते हैं, वैसे उस समय में नहीं था, और हम भी कुछ नहीं बोलते हैं। उस समय रहता ना तो तुम लोग देखता, साग और अन्न खा करके रहना पड़ता, और एक एक पैसा भी खा करके लोग गुरु जी को देकर के अपने जीवन को कृतार्थ मानते थे, और गुरु जी भी अपना सर्वस्व उनके हृदय में देते थे, इसलिए एक एक रत्न पैदा हुए। यदि 2 पैसा हमको मिलता है गुरु जी को नहीं देंगे, तो गुरु जी इतना बड़ा भारी प्रेम की संपत्ति तुमको क्यों देंगे? बेवकूफ नहीं है गुरु जी, वो सब समझते हैं, इसलिए तुम लोगों को भी लोला दिखला देंगे, इस चीज को याद रखना। उस समय में ये लोग दिन भर परिश्रम करते गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए, एक एक पैसा भिक्षा करते, सब्जी भिक्षा करने के लिए चले जाते फार्मों में, कहां कहां जाते, थोड़ा थोड़ा साग भिक्षा कर लेते। एक समय में डांटा साग और सब्जी कुछ उनको भिक्षा में मिली, सिद्ध स्वरूप
जी और हमारे गुरु जी दोनों विनोद बिहारी ब्रह्मचारी थे, दोनों भिक्षा में गए और दो बोरा सब्जी डाटा और ये मोचा थोड़ ये सब ये भी समझिए, भिक्षा में जो लोग देते हैं ना तो अच्छा वाला बैंगन नहीं देंगे, कुछ जरूर उसमें कीड़ा लगा हुआ देंगे क्योंकि शादी को ये दे रहे हैं, इसलिए अच्छी अच्छी तो नहीं साधारण रूप में साग सब्जी दे रहे हैं। दो बोरा हो गया, एक छोटा एक बड़ा। कलकत्ते स्टेशन से हावड़ा स्टेशन से ले जाना है प्राय 2 माइल। वो छोटे वाले को दोनों में झगड़ा हुआ जी, हम बड़े वाले को लेंगे। गुरुजी कहते हैं जे देखो तुमसे उम्र में और बल में मैं अधिक हूँ, इसलिए मैं बड़े वाले को ले जाऊंगा। और वो कहते हैं कि मैं छोटा हूँ किंतु बलवान हूँ, मैं ले चलूंगा। और दोनों में खींचाता नहीं, किंतु इनका आग्रह देख करके सिद्ध स्वरूप जी उनके चरणों में गिर करके भिक्षा मांग करके वो बड़ा वाला लिया। ऐसा देखो सेवा निष्ठा, ये गुरु जी की सेवा में ऐसी भावना होनी चाहिए। इस तरह से सेवा लोग करते थे, 2 माइल सिर में रख करके। आजकल हम कहेंगे कोई ले आओ तो रिक्शा का पैसा भी देंगे, तो भी कहे हमको समय, तबीयत मेरी बहुत खराब है। उस समय की सेवा और इस समय में कितना पार्थक्य आ गया। उस प्रकार से कठोर जीवन यापन करके गुरु की सेवा करते थे, अभी हम लोग उनकी शिक्षाओं से जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं। एक समय में भारती महाराज के साथ में या न उनके साथ में कौन महाराज थे विद्वान, निमी महाराज और सब लोगों के साथ में सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जी पूर्वी बंगाल में प्रचार के लिए गए। और वहां पर उन्होंने बतलाया कि राम छागल के भजन करने से न, वो रसोई घर में कुकिंग करने वाली स्त्रियां वो सब करती हैं। राम छागल माने क्या, ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ये हाँ ठीक, सब में हाँ करने वाले, शुद्ध कृष्ण का भजन नहीं करने वाले। विवेकानंद का उस समय में खूब जोर था, उन्होंने विवेकानंद नहीं कर करके विवेकानंद कह दिया, बी मैंने नहीं कह करके बे मैंने रहित, जिसमें ज्ञान और विवेक नहीं है मूर्ख, उनको विवेकानंद को कहा। उस समय बंगाल में विवेकानंद का खूब प्रचार था, गौड़ीय मठ का प्रचार नहीं था। इन दोनों का जबकि उन्होंने मत का विचार का खंडन किया तो सभा में सभी एकदम एक पक्ष से होकर के इनका प्रतिवाद किया और शोरगुल करने लगे, सभा बंद हो गई। नेमी महाराज या कौन थे, उन्होंने प्रभुपाद को पत्र लिखा है जो सिद्ध स्वरूप ने हमारा प्रचार सब गड़बड़ कर दिया, वो कोई अब बात ही नहीं सुनता है। और वो लोग कहते हैं कि अब विचार सभा होगी, जी विवेकानंद को विवेकानंद क्यों कहा और राम छागल उनको, रविन्द्रनाथ ठाकुर को राम छागल कहा, क्यों कहा, इसलिए विचार सभा हो, अब आप किसी प्रकार से रक्षा करें। प्रभुपाद ने टेलीग्राम का उत्तर दिया, आशीष सिद्ध स्वरूप ने हमारे लाख रुपए का प्रचार यथार्थ प्रचार किया, अब तक कोई ऐसा नहीं कर सका था, मैं खुद आता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रचार हुआ। ऐसे नहीं करने से प्रचार नहीं होता है, तुम भी चुप हम भी चुप ये प्रचार नहीं, सत्य का निर्भय प्रचारक होना चाहिए, वी शुड बी वेरी बोल्ड टू स्पीक ट्रू, देन इट विल बी वेरी वीक प्रीचिंग अदरवाइज नॉट। सो प्रभुपाद रोट हिम दैट सिद्ध स्वरूप हैज डन मार्वेलस प्रीचिंग ऑफ लैक्स एंड लैक्स रुपीज एंड कमिंग सून, डोंट वरी। बस जब गए विराट सभा हुई, उसमें प्रभुपाद ने आकर के एकदम ऐसा भाषण दिया जो सभी लोग एकदम शांत प्रशांत हो गए।
इसी प्रकार से प्रभुपाद के सब गण ऐसे ही थे, निर्भीक सत्य के प्रचारक थे। आजकल वैसा प्रचार नहीं हो रहा, कोई शास्त्रीय विचार ही नहीं करते। ये महाराज जी ने गीता का भाष्य भक्ति विवेक भारती महाराज जी ने पूज्यपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का अनुवाद किया था, उन्होंने उसका फिर से उसमें रह गया था कुछ, उसको पूरा करके इन्होंने उसको पूरा किया। इसके बाद में पुनः अरे उसी का गीता का ही विद्या विद्याभूषण का टीका, और इतना सुंदर किया ईशोपनिषद इत्यादि भाष्य जो उपनिषद है उसका भी भाष्य किया। इसके बाद में वेदांत सूत्र हमारे गुरु जी की भी इच्छा थी, प्रभुपाद की भी इच्छा थी, जो उस समय नहीं हो सका, सहज काम नहीं है, बड़ा भारी विद्वता का कार्य है। उन्होंने बड़े बड़े पंडितों को बुला करके और अपने गाइडेंस में सबसे ये पूरा करवाया, नहीं तो ये काम होना बड़ा कठिन था। उन्होंने इस चीज को उसमें विशिष्टता रखी। ये श्रीमद् भागवत वेदांत का भाष्य है श्रीमद् भागवतम, इसलिए उसके प्रत्येक सूत्र में प्रमाण के स्वरूप में श्रीमद् भागवत का श्लोक रखा, ये उसकी विशेषता है। और बलदेव विद्याभूषण का उसमें जितना था वो सब लिया और उसके उसको और एलबोरेट करने के लिए और व्याख्या अच्छी तरह से करने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया उसमें। इसके अतिरिक्त भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भक्ति सामित बिंदु सिंधु बिंदु उज्ज्वल मणि किरण और भगवतामृत कणा और एक कोई नहीं गोपाल तापिनी जो ये प्रसिद्ध ग्रंथ है भक्ति का, ये सब का उन्होंने अनुवाद करके और उसकी व्याख्या करी, जो वैष्णव जगत में बहुत कमी थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने किया किंतु वो उसमें दिमक लगकर के कहां चला गया, प्रभुपाद को दिया ही नहीं गया, ललिता जी ने नहीं दिया, ललिता बाबू उनके बड़े भैया। और मध्वाचार्य जी ने कुछ किया है, इसके बाद में उपनिषदों पर किसी ने हाथ नहीं दिया, महाराज जी ने दिया। ये इनको लोग जो प्रणामी दे देते थे बस ये ग्रंथों के छपवाने में लगे रहते थे, किंतु कुछ ऐसा कारण हुआ, उन्होंने देखा जो उनके कुछ अपने ऐसे शिष्य निकले जे ग्रंथों को बेच करके कुछ पैसा खास रखने लगे और उनके साथ में बेईमानी करने लगे। उन्होंने कहा जैसे तो ये पुस्तकें छाप करके क्या होगा, यदि ऐसे ही बेईमानी करने लगेंगे तो उन्होंने उसको निकाल दिया। वो ऐसे शिष्य जो उनको जान से मारने की चेष्टा भी किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। कैसे उस दिन रात में उल्टा सो गए, पैर के तरफ में सिर और सिर के तरफ में पैर, और उसने जो फरसा चलाया उनके दोनों पैरों के बीच में लगा, वो समझा जी इनका पैर और कट गया, सिर कट गया, और उनको भगवान ने एकदम पूर्ण रूप से बचा लिया। यदि भगवान चाहते हैं तो उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कि भगवान के प्रति कितनी इनकी दृढ़ निष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उनके जीवन में हमने देखा है कोई भी प्रभुपाद का आदमी चला जाए उसको बड़ा आदर करते थे। हमारे गुरु महाराज के लिए तो बतलाया ही, उनको शिक्षा गुरु मानते थे हमारे गुरु जी को, और जहां भी कोई सेवा का सुयोग मिलता वो एकदम उपस्थित हो जाते थे। जब प्रभु हमारे गुरु जी अप्रकट हुए तो हम लोग उस समय में वो बाई चांस नवदीप में थे, हम लोग उनके पास में पहुंचे, सब काम छोड़ करके सारी रात हम लोगों के साथ में जगे और गुरु महाराज का समाधि अपने हाथ से उन्होंने दिलवाया। साथ साथ में किसी आचार्य के जाने के बाद में गड़बड़ हो जाती है, परस्पर लड़ते मरते हैं, आजकल सब जगह ऐसा ही हो रहा है, किंतु उन्होंने हम लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए विशेष करके पूज्यपाद बामन महाराज त्रिविक्रम महाराज और हम तीनों गए थे, हम लोगों को समझा बुझा करके बड़ी सब ठीक करके हम लोगों को गौड़ीय वेदांत समिति के सूत्र में बांध दिया।
उन्हीं के परामर्श से बाण महाराज आचार्य श्री विक्रम महाराज को सेक्रेटरी हमको सभापति सह सभापति इत्यादि पर्यटक जी को सुपरिंटेंडेंट और सब दूसरों को कोषाध्यक्ष किसी को कुछ बना करके सब हम लोगों को बांध दिया। आज भी हम लोग उसी बंधन के कारण में हम लोग एकत्र हैं और चले, इसलिए उन कारण हम लोग कभी नहीं निकल सकते। हम लोग उनके पास में जाते, अच्छा अच्छा संदेश उनके पास में रहता, कलकत्ते का सबसे अच्छा रसगुल्ला रहता उनके पास में जरूर रहता भंडार, और वो जाते ही बस शिष्यों को आदेश देते और लेकर के अपने अपने हाथ से हम लोगों को परिवेशन करके हम लोगों को खिलाते, इतना आदर करते थे। एक बार उनकी इच्छा हुई आने की, यहाँ हम वृंदावन में आएंगे मठ स्थापन करने के लिए, तो हमको उन्होंने पत्र दिया कि मैं आऊंगा तुम्हारे पास में रहूंगा, तुमको लेकर के वृंदावन में चलूं। तो हमारे पास में आए और यहाँ से उनको हम वृंदावन में ले गए। वो वृंदावन का मठ उन्होंने हमारे हमसे परामर्श करके हमको देख करके और तब फिर उन्होंने स्थापन किया। जब कभी हमसे भेंट होती थी बहुत स्नेह करते थे हम लोगों को, यही नहीं कोई भी प्रभुपाद का शिष्य हो या कोई भी वैष्णव हो, सबका समुचित आदर करते थे। उनके शिष्य में बड़ी अनुशासन था, कोई बिना उनके आदेश से इधर उधर नहीं जा सकता था। बहुत कड़े स्वभाव के थे और बच्चे स्वभाव के भी थे, दोनों अत्यंत पुष्प के समान मृदु, मृदु कैसे पुष्प के समान, और कठोर कैसे वज्र के समान थे। यदि कहीं असिद्धांत किसी अपने गुरु भाई को देखा तो उसको अपने मठ में नहीं आने देते, कभी आ गया है तो तू प्रसाद पाकर के यहां से चले जाओ। बड़े कठोर थे और बड़े मृदु थे। इस तरह से अंत में उन्होंने कुछ शिष्यों की कुछ ऐसी देख करके कहा जैसे हम एक पैसा रख करके नहीं जाएंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में एक ऐसा मंदिर बनाया, उसमें केवल सुंदर सुंदर मूर्तियां शिक्षा प्रद, महाभारत से लेकर के कृष्ण लीला से लेकर के महाप्रभु जी का लीला से लेकर के उसके रोम रोम में मंदिर के जैसे हमने यहाँ पर बनाया, उन्हीं का देखा देखी कुछ बनाया उनको देख करके। तो उन्होंने सर्वत्र दीवार में एक कोई जगह नहीं है, मंदिर में कोई एक जगह नहीं है जहां पर कि वो लीलाओं का अंकन है। जिधर जाओ उन्होंने जितना रुपया उनके पास में था सब उसमें पूरा का पूरा उसी में लगा दिया। इस तरह से उनका जीवन, सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए था। उन्होंने चेष्टा की थी कि ऐसे ही हमारे बाद भी ऐसा होता रहे, किंतु यह होना बड़ा भारी कठिन है जो भी लोगों का। तो वो उनको हमें शिक्षा गुरु मानता था। यदि हमको किसी विषय में संदेह होता था तो मैं जाता था, हमको संदेह होने पर गुरु जी के प्रकट के बाद में पूज्यपाद सौती महाराज, श्रीधर महाराज, ये हमारे पूज्यपाद सिद्धांती महाराज और कौन, कभी कभी बन महाराज, इन लोगों से अधिक मिलता था। जो सिद्धांतविद थे उनके पास में जाता था, और जजावर महाराज, ऋषिकेश महाराज, ये सब लोग जितने सिद्धांतविद थे, और विशेष करके जो रसिक वैष्णव थे उनके समीप में जाता था और उनका शंका था। और वो लोग भी हमारे यहाँ बिना बुलाए आते थे, बुलाने की कोई जरूरत, निमंत्रण की जरूरत नहीं, वो लोग आते थे, स्नेह करते थे। आज न जाने उन्हीं लोगों की कृपा से, मैं नहीं चाहता तो भी विश्व में सभी लोग हमारी बातें सुनते हैं, हमारे पास में आते हैं सभी लोग। उन्हीं लोगों की कृपा से मैं चाहता हूं कि कृष्ण की चरणों में हम लोग, राधा कृष्ण के चरणों में हम लोगों की भक्ति हो, महाप्रभु जी की कृपा हो, ऐसे ऐसे महापुरुषों के उनके आज उनके इस तिरुभाव के दिवस में उनके चरणों में मैं निष्कपट रूप से प्रार्थना करता हूँ। हम सब पर दया करें जो उन लोगों का जैसा चरित्र हम लोगों का हो और वैसा ही हम लोग शुद्ध रूप में प्रचार कर सकें और स्वयं भगवान का भजन कर सकें।
नंदा की आकरोत ब्रह्मण से वयो महोदय यशोदा च महाभागा वा महाभागा पपौजस्यास्तम। कल इसकी हमने व्याख्या की थी। प्राय सब शेष हो गया था, थोड़ा सा बाकी है समलापहम, इसका बाकी रह गया। सम लाप इसको लेकर के उन्होंने व्याख्या की थी। तो ये बतला रहे थे कि देवकी जी ने भी तो देव जी के भी स्तन को कृष्ण ने पान किया था, किंतु कृष्ण उतनी लालसा से उनका स्तन पान नहीं किया, वो भी एक बार किया, वो भी बहुत स्पर्श किया। और यशोदा उनके देवकी के प्रार्थना करने पर अपने आप कृष्ण ने लालसा करके उनके गोदी में जाकर के मैया दूध पान करूंगा ललक करके नहीं गए। यदि कहो ऐसा सौभाग्य तो समस्त ब्रजवासियों को और गोपियों को और गायों को भी मिला, ये कब मिला? ब्रह्मा जी के वस्त्र हरण करने पर। सबकी आकांक्षा थी जे कृष्ण हमारे बेटे हों और दूध पिलाऊं। We are telling the glory of Vasudha, Nand Baba and Yashoda that Krishna tasted the breast milk of mother Yashoda. He also tasted the milk of Devaki, but only one time, for a short time. Only he touched his between mouth. Not like always waiting for Yashoda milk. And Yashoda telling, I will not take you in my lap. And Krishna, you are naughty. And Krishna is rolling down on the earth. I want to take your milk. So, Yashoda is more fortunate than Devaki. Yadi koi ye kahe, if anyone can, one can tell that Yashoda is not so much fortunate because all the gopis were like mothers and all the cows had that fortune because Krishna became their boy, son and calf, and he drank that milk for 1 year. Ek barash tak unka dudh ko paan karte rahe. Aje haan paan piya ye baat to theek hai, किंतु अपने कृष्ण रूप से नहीं किया, बछड़े बनकर के पिया या उनके पुत्र बनकर के पिया ये बात तो ठीक है, किंतु इस रूप में नहीं किया, इसलिए उनका भी सौभाग्य यशोदा जी से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए यशोदा जी का परम सौभाग्य है। दूसरी बात और भी एक महाभागा उसमें लिखा, वाह महाभागा अर्थात नंद बाबा से भी इनका सौभाग्य है। क्यों? मैया का स्नेह पुत्र पर अधिक होता है, विशेष स्थिति में पिता का स्नेह पुत्र पर होता है। इट इज लाइक ए नेचुरल दैट मदर अफेक्शन टू हर सन इज मोर देन फादर एक्सेप्ट देन अफेक्शन टू हिज सन। सो नंद बाबा हैज सो मच अफेक्शन बट नॉट लाइक यशोदा, यशोदा के समान नहीं। यशोदा जी पागल हो उठती हैं कृष्ण के लिए, नंद बाबा जी धैर्य रख सकते हैं, यशोदा जी को धैर्य नहीं रहता, इसलिए यशोदा जी का स्नेह बहुत अधिक है उनसे। इसलिए वास शब्द का प्रयोग करके इस चीज को और भी व्यक्त किया, इसलिए यशोदा ही महाभागा। इस तरह से जबकि घर में घुटनों पर चलते हैं उस समय नंद बाबा को उतना आनंद नहीं जितना कि यशोदा जी को होता है। अधिकांश लीलाएं यशोदा जी के साथ में बाल्यकाल में होती हैं। तब नंद बाबा की महिमा को आप लोग कम कर देंगे।
So we can see that we can think that the glory of Nanda Bhai less than but you should not think like this. Kyunki samudra mein agar pani hai jabhi hawa ke jhoke aaye to usme lahare dikhti hai aur jabhi jhoka nahi aaya to lahare dikhte hai prashant mahasagar ki taraf chalata hai to jasoda ke bhav se bhav rupi hawa se unme hawa ka jhoka nahi hai kisme kabhi kabhi hota hai jhoka pen ka jhoka aur jasoda maiya ne इसलिए बाबा के गंभीर जी के कारण मालूम नहीं होता किंतु उनमें भी है कभी कभी व्यक्त होता है इसलिए उसके लिए ये बतला रहे नंद सकुत्तम आदाय पुरुषगत उदार दी ब्रह्म अध्याय परमाणु उदान ले दे नंद बाबा के प्रति कोई अपराध न कर दे नंद महाराज जी का भी कृष्ण के प्रति इतना स्नेह है किंतु गंभीरता के कारण उसको दबा रखते हैं और जसोदा का प्रेम जरा हवा में छलक करके लहरियों के रूप में ये पूछता है इसलिए भाई ऐसा मत सोचना कभी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा इसलिए अब नंद बाबा के लिए कहें जैसे नंद बाबा का ऐसा कब हुआ explain. I cannot explain like them. So Pundarik is here, or Amal Krishna is here, or Uma is here. They can explain. Nanda Saputra Madaya. It's not here. Amara Chani Singh Shoto Barthula Adhan. Nanda Saputra Madaya. Le Dhe Kurutva. Iska Aad Sadharu Kuma. He Kurutva. Kurutva kisko ka rahe hai? Parichitva. Kurutva Amare Kuma Mijo Shesti. द्रवित हो जाए इसलिए आनंद को अपना छिपा नहीं सके और क्रुद्वा शब्द में देखो नंद बाबा सपुत्रम आदाय अपने पुत्र को लेकर आदाय पुरुषगत उदार भी जब नंद बाबा आए तो पुतना को देखा मरी सोच नहीं सकेगे ये राक्षस सुंदर सुगंध आ रहा है उसको काट करके जला रहे हैं घर में आए सुना ये तो पुतना राक्षसी थी जो मरी हुई थी और उसने विषपान कराया विषपान करा करके उसको मारना चाहा किंतु भगवान ने नारायण ने हमारे कुल देवता ने उसकी रक्षा कर दी ये किसी प्रकार से बच गया ये सुनते ही एकदम कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया आदाय आदाय मैंने अपनी गोदी में ले लिया और मूर्धम अघ्राय सिर को सूंघने लगे सिर को और नीचे तक सहलाने लगे आंखें में आंसू उमड़ आए छलक उठी बड़ी कठिनता से रोका और रोमांच हो गया ये क्या चीज है ये लहरियां हैं प्रेम की अष्टसात्विक भाव उसमें आ गया इसे यशोदा जी से कम मत समझो इनको कृष्ण के साथ में ये कम रहते हैं ना बाहर में देखते हैं इसलिए लोग ना समझे कि इनमें प्रेम की कमी है ये दोनों ही बात्सल्य रस की मूर्ति हैं दोनों मिलाकर के एक अखंड बात्सल्य रस बनता है इसलिए कहते हैं परमं परमं मुदम मुदम बड़ा आनंद लाभ किया कैसा आनंद ये टीका में बतलाएंगे मैं संक्षेप में बतला रहा हूं देखो परमम मुदम शब्द है कैसा सनातन गोस्वामी जी अर्थ करते परमंग रमंग माने क्या लक्ष्मी मां लक्ष्मी जो है उनको जो आनंद होता है मुदम माने आनंद होता है वह आनंद भी एकदम तुच्छीकृत हो जाता है कहा जो नंद बाबा को जो आनंद हुआ इतना आनंद हुआ आनंद की सीमा नहीं रही नंद बाबा को कृष्ण को उस अवस्था में ऐसा आनंद उनको अब सनातन गोस्वामी की टीका हम कल से आरंभ करेंगे आज यही तक ठीक है लो कोई है Yeah.